खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार हमीरपुर अपने गृह जिला में पहुंचने पर नादौन रंगस के बाद अनुराग ठाकुर का गांधी चौक पर किया गया भव्य स्वागत। बीजेपी की ओर से रखे गए अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर को जिला व बाजवा मंडल के अलावा विभिन्न संगठनों ने सम्मानित किया। देर शाम करीब 9:30 बजे पहुंचे अनुराग ठाकुर के लिए दोपहर बाद से लोग इंतजार करते हुए दिखे और उन्हें आते ही पुष्पों की बारिश कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारू, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार हमीरपुर अपने गृह जिला में पहुंचने पर नादौन रंगस के बाद गांधी चौक पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी की ओर से रखे गए अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर को जिला व मंडल भाजपा के अलावा विभिन्न संगठनों ने सम्मानित किया। देर शाम करीब 9:30 बजे पहुंचे अनुराग ठाकुर के लिए दोपहर बाद से लोग इंतजार करते दिखे और उनके आते ही पुष्पों की बारिश कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारू, एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद बजट को लेकर पूछे गए प्रश्न पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछली मोदी सरकार के चलाए जा रहे बेहतर कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रमुख प्राथमिकता गरीबों को पक्के मकान के साथ हर घर के नलके में पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को बुलाकर टारगेट सेट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब देश को ऐसा नेतृत्व मिलता है तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में बजट आएगा, आपको सब पता चल जाएगा। और पिछले 5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तेजी से विकास किया है, दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने, महंगाई दर जो कांग्रेस के समय 11% पर रहती थी वो केवल 2.5% रही, फिस्कल डेफिसिट जो 6% 6.5% रहता था वो 3.4% 3.5% रहा। ये अपने आप में दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया है। गरीबों को पक्के मकान मिले, 2022 से पहले हम वो पूरा करेंगे। गांव-गांव सड़कों से जुड़े वो हमारी प्राथमिकता है। पानी के क्षेत्र में हर घर को पीने का पानी नल से मिले, घर पे मिले, ये सरकार करने वाली है, जो बहुत बड़ी बात है। हर डिपार्टमेंट अपना 100-100 दिन का लक्ष्य तय कर रहा है और मुझे लगता है यही अप्रोच होनी चाहिए। वो एक प्रधानमंत्री के रूप में तो काम कर ही रहे हैं, जैसे कंपनीज के सीईओस अपने टारगेट सेट करते हैं, मोदी जी वैसे देश को तेजी दिलाने के लिए हम सबको बुलाकर भी अपने अपने टारगेट सेट करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जब ऐसा नेतृत्व आपको मिलता है तो देश निश्चित तौर पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता के नीति आयोग की बैठक में भाग लेने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में रहकर केवल धरना प्रदर्शन और बहिष्कार करने में लगे रहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश को समन्वय के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और मोदी सरकार ने प्रदेश को लाभ भी पहुंचाए मगर देश के कुछ राज्य ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में बंगाल की जनता ने दीदी को आईना दिखा दिया है, लेकिन अगर वे अब भी वैसी राजनीति आगे करेगी तो बंगाल के विधानसभा चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ लोग राजनीति में केवल धरना प्रदर्शन बहिष्कार करने सत्ता में रहकर भी करते हैं। ऐसे 2-3 राज्यों में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे और उन राज्यों में अराजकता का दौर ऐसे नेताओं के कारण चला है। ममता जी के लिए मेरी बहुत सम्मान हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के कत्ल किए गए, हिंसा भड़काई गई, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया गया, कई बार तो लगता है कि क्या ये वही ममता दीदी हैं? दुर्भाग्य है, सेंटर और स्टेट समन्वय के साथ आगे बढ़ सकते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में ये बहुत आवश्यक है। और मोदी जी ने हर राज्य को 14वें वित्त आयोग के माध्यम से हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए पिछले 5 वर्षों में ज्यादा दिए हैं।
राज्यों को और मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले किया है, लेकिन अपनी राजनीति करने के लिए कुछ लोगों ने जब उल्टा रास्ता अपनाया, आंध्रा में आपने हालत देख ली है, बंगाल में आपने लोकसभा में उसका दूसरा उदाहरण देखा, बंगाल के विधानसभा के चुनाव आने दीजिए, पूरी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। रेपो रेट कम करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आरबीआई ने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कई बार कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है, जिसका लाभ सबको मिलेगा। मुझे लगता है समय समय पर आरबीआई ने निर्णय लिए, रेपो रेट कम भी किया है और अर्थव्यवस्था में और तेजी मिले, बढ़े, सुधार हो, सब क्षेत्र आगे बढ़े। अभी आप अगले कुछ दिनों में बहुत कदम देखेंगे, मैं अभी इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इतना ही कहूंगा, मोदी जी से जो अपेक्षाएं देश को हैं, हम उन पर भी खरा उतरेंगे, जो दुनिया को है उन पर भी खरा उतरेंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने धोनी के मुद्दे पर कुछ भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा कि बीसीसीआई को अब कोर्ट द्वारा दी गई टीम चला रही है, ये उनका तय करना है कि इस मुद्दे पर क्या करना है। मगर आज दुनिया में क्रिकेट का सबसे सशक्त संगठन का ऐसा हाल क्यों है? कोई कमेंट नहीं करता। पिछले 3-4 वर्षों से कोर्ट के द्वारा बनाई गई एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको देखती है, ऐसा क्यों हुआ, हिंदुस्तान इतना कमजोर क्यों दिखना शुरू हो गया। मुझे लगता है इस पर बोर्ड को उत्तर देना चाहिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। प्रदेश महिला कांग्रेस के महिला उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी पर उठाए गए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्टी व प्रदेश सरकार महिलाओं का सम्मान करती है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने क्या कहा, क्यों कहा, इस पर तो वही टिप्पणी कर पाएंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल प्रदेश महिलाओं का सम्मान करता है, आदर करता है और महिलाएं सुरक्षित रहें इसके लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।